सुना भी होगा और देखा भी होगा कि भाजपा सरकार के आने के पहले कमलनाथ सरकार ने भू माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम चलाकर अवैध कब्जा माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर लगाम लगाने के प्रयास किए थे। लेकिन लगता है कि भाजपा सरकार आते ही अवैध भू माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहाँ भू माफिया सरकारी जमीनों पर प्रशासन की खाओ कमाओ नीति के तहत अवैध कब्जा कर रहे हैं और जमीनों पर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई थी। दरअसल मामला गाडरवारा के ग्राम घूरपुर का है, जहां की शासकीय भूमि पर ग्राम कजरौटा के रामकृष्ण गौरव और कुछ साथियों द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा किया जा रहा था, जिसकी सूचना तहसीलदार गाडरवारा को मिली। सूचना पाकर मौके पर तहसीलदार दिव्यांशु नामदेव, नायब तहसीलदार विनोद कुमार साहू और तहसीलदार ऋचा गौरव अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां मौके से 2 JCB, 1 ट्रैक्टर मिले और भू माफियाओं द्वारा कई एकड़ शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसको तहसीलदार द्वारा तुरंत स्थगित करवाया और मामला कायम किया। पर इन सब के बीच शिकायतकर्ता का आरोप है कि पटवारी द्वारा JCB और ट्रैक्टर के मामले में छुपाया जा रहा है, जिससे अधिकारियों की कार्रवाई संदेह के घेरे में है। मौके से 2 JCB, 1 ट्रैक्टर को छोड़ा केस के नाम पर सिर्फ मात्र कुछ औपचारिकताएं की गई। अवैध उत्खनन करने वाली JCB और ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया। सिर्फ कार्रवाई के नाम पर केवल भू माफियाओं को नोटिस ही दिया गया और मामले में संलिप्त वाहनों के नाम पर प्रकरण में बहुत कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि रहवासियों की मांग है कि JCB और ट्रैक्टर पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिकारियों में दिव्यांशु नामदेव, श्री विनोद साहू जी, सुश्री ऋचा तीनों थे और वहाँ पर जाकर देखा तो 2 JCB मशीन, 1 ट्रैक्टर अवैध खनन कर रहे थे। और पेड़ों की कटाई भी की गई क्या वहाँ? सैकड़ों की तादाद में हरे भरे वृक्षों को भी काटा गया। तो इस संबंध में JCBओं पर भी कोई कार्रवाई की जो वहाँ पर उत्खनन कर रही थी? मैं किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। तो उनको क्यों छोड़ा? पहले तो आश्वासन दिया गया था कि इन पे कार्रवाई होगी, पर बाद में कह दिया ये सरकारी जमीन में नहीं थी, बाहर थी। मामले को रफा दफा किया गया, मामले को रफा दफा कर दिया। जब इस बारे में संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उनका भी मानना है कि अवैध अतिक्रमण हुआ है और संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में अमित पाठक द्वारा मौखिक रूप से शिकायत की गई थी कि वहाँ पर जो है वो अतिक्रमण किया जा रहा है। वहाँ पर मैं और विनोद साहू जी नायब तहसीलदार, सुश्री ऋचा गौरव नायब तहसीलदार वहाँ पहुँचे और जो है वहाँ पे मौके की जांच की और इस संबंध में हल्का पटवारी द्वारा नाप भी किया गया, जिसमें पाया गया कि जो था अतिक्रमण हुआ है। तो इस संबंध में जो है हमने अपने न्यायालय में 250 का प्रकरण कायम किया है और 248 का प्रकरण कायम किया है और जो है उसमें 1,00,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। अभी वो न्यायालय में चल रहा है, इट इज़ अंडर एडजुडिकेशन। अब देखना यह है कि पोस्टर न्यूज की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद माफियाओं पर अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं या फिर मामले को दबाकर ऐसे ही दफा दफा कर दिया जाता है। पोस्टर न्यूज के लिए गाडरवारा से अरविंद स्थापक की रिपोर्ट।